धरनानी साहब आ लोगों के अंदर एक जागरूकता लहर चलाने वास्ते ताकि किसान नूं पता लगे किस किस्म दीआं साजिशां कीतीआं जा रही हैं सारे हिंदुस्तान के किसान नूं, ते खास तौर पर मैं समझदा पंजाब ने पंजाब के किसान नूं अज शाबाशी देण दी जरूरत सी। कोरोना दे विच जिथे सारा हिंदुस्तान तालाबंद होया खड़ा है, सारी जिन्नी भी इंडस्ट्रीज है सारिया बंदी दी कागार ते नुकसान दे कागार ते खड़ियां है, कलम कला अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई इदारा सही तरीके नाल काम कर रहा है, लोगों के ढिड पाल रहा है, वह किसानी सीगा। ते किसान ने इस मौके पर देश की बा देश के दे नाल जिथे पहला भी ढिड भरदा रहा, हुण भी किसान की मेहनत करके साडे देश के दे प्रधानमंत्री साहब ने जो कोरोना लग्या तो सारे लोगों वास्ते तीन तीन महीनों का अनाज भी उन्होंने वंडन का कहता, आ सारा कुछ किसान करके सीगा। किसान नूं शाबाशी देण दी लोड़ सी, बंदी दे हालात च भी 1,27,00,000 टन कणक पंजाब दी चकी गई, किसान दी एक एक दाणा चकिया गया बिना किसी परेशानी दे, उहदी पेमेंट जिहड़ी है करीबन 26,000 करोड़ रुपया किसान दी जेब च आया। आ इस करके होया वी पंजाब सरकार कोल इत्थे पूरा इंतजाम है, मंडियां है, साडी एडमिनिस्ट्रेशन है, सानू इस गल दा एक्सपीरियंस है, पंजाब दे किसान जिहड़े है मेहनत अपने खून पसीने नाल फसल लैके आंदे है, तो उस फसल नूं FCI MSP दे उत्ते खरीददी है। आ जिहड़ी हुण साजिश हो रही है जिहड़े काले कानून मोदी साहब दी BJP दी सरकार लैके आई है, उन्हां दी नीयत जिहड़ी है MSP नूं खत्म करन दी है, एक झटके च नहीं इन फेजिज हौली हौली करके इहनूं खत्म करन दी जिहड़ी साजिश है, जिहदे तहत आ सारे काले कानून देश बंद पिया है, चीन दे नाल लड़ाई लगन दे आसार बने खड़े है, साडे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, उन्होंने बावजूद एक काला कानून ऑर्डिनेंस के जरिए लैके आए है, ये अपने आप ही क्लीयर होता भी कोई ना कोई मंशा जी है उन्होंने इस किस्म की है, जेडे पार्लीमेंट से गल कर तो BJP सरकार कतरा रही थी क्योंकि बहुत सारे जवाब देने पैने से। कोई एक मिनट सर, जदों ताई सरकारी खरीद नहीं होंगी MSP का कोई मायना नहीं। कल असी एक वीडियो मैनू किसी ने शेयर की सी, हुशियारपुर मंडी की वीडियो सी, तो उन्होंने दिखाया भी किसान कह रहे भी 600 रुपये जो मेरी ढेरी बिकती है तो ये तो असं डंगर पा देंगे, आप बोली बंद कराओ। मैं अज इतने आए किसानों दसन आया भी साथियों जागरूक हो जाओ, आ कोई राजनीतिक मसला नहीं, अज मक्की 600 रुपये बिक रही है, रुलती फिर इतने जे BJP की साजिश कामयाब होगी तो कणक भी इस तरह रुलूगी इतने, क्योंकि कणक अगर चकी जाती है एक दाना इस करके चकी जाती है भी जी हुण कांग्रेस सरकार ने जिहड़ी MSP पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब नाल प्रणाली बनाई सी भी सरकारी खरीद होगी झोने की ते कणक की, इस करके एक दाना चकिया जाता है, पर जो साजिश हो रही है उहदे तहत किसान की कणक ते झोना इत्थे मंडियां च रुलदा होगा, हौली हौली फेजिस से करनगे, जिहदी ब्यौतबंदी इन्होंने करती आ जिहड़े प्राइवेट कंपनियां नूं बाहर मंडियां बनाने की, दूजी कंपनियां नूं इत्थे आ के स्टोर करन की, उन्हां नूं बेचण दी बिना लाइसेंस के ते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, खेती तो लैके टेबल तक पहुँचना चाहिए, सारा जिहड़ा काम है वड्डे साहूकारां दे हत्थ च जांदा रहूगा, ते किसान जिहड़ा अज अपने चाहे उहदे कोल 1 एकड़ जमीन है चाहे उहदे कोल 5 एकड़ जमीन है, वह अपनी जमीन का मालिक है, जिदन इत्थे वड्डे साहूकार आ गए वो जिहड़ा मालिक है वह मजदूर बन जूगा, फिर बिहार तो मजदूर बनाने की लोड़ नहीं पैनी, साडे किसान इत्थे मजदूरी करिया करनगे अडानिया ते अंबानिया। सर कल मुख्यमंत्री साहब ने एक बैठक की सर्वदलीय बैठक जिहदे विच फैसला लिया गया कि PM साहब नूं जिहड़ा हैगा इक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, लेकिन भाजपा ते अकाली दल इस प्रतिनिधि मंडल विच शामिल नहीं हो रहे। कुर्सी का लालच सता रहा है अकाली पार्टी नूं, सुखबीर बादल 2 किश्तियां ते सवार होना चाहते हैं, दबी जवान च कहते इस किसान के नाल हाँ, पर उधर कुर्सी का जड़ा लालच इस करके इन्हां काले कानून के खिलाफ बोलने तो भी डरते हैं। अज मैं कल भी आई गल उत्थे की सी सर्वदलीय मीटिंग के अंदर, अकाली दल चाहे साडी विरोधी पार्टी है पर उहदा जिहड़ा इतिहास है संघर्ष चों निकले है, उन्होंने कुरबानियां दित्तियां, जानां गवाईयां, जेल च गए है, डांगां खादियां, पर वो अकाली दल होर सीगा,
अज का अकाली दल है उन्होंने वास्ते कुर्सी छड़ना केंद्र के अंदर फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय छड़ना ही बहुत वड्डी बलिदान है। जिहड़े बलिदान कुर्सी छड़न बलिदान समझन लगे वह किसानां नाल कित्थे खड़नगे। अज मसला बड़ा सिंपल है, किसान जागरूक होना पेगा, सारे किसानों लामबंद होना पेगा, अदरवाइज बीजेपी इन्हां दे भाईवाल अकाली दल पंजाब दे किसान नू मजदूर बना के छड़न। सर अज तुसीं किसानां दे हित दी गल करदे हो पर किसानां दी एक दूसरी सानू वड्डी समस्या है कि प्रवासी मजदूर नहीं है। करोना दे विच सूबा सरकार प्रवासी मजदूरों नू लोकां च किन्नी सार्थक साबित होई ते किन्नी फेल साबित होई? हिंदुस्तान लोकतंत्र है, वो मजदूरी जरूर करते हैं पर बंधुआ मजदूर नहीं। साड़ी वो साढ़े मेहमान है, साढ़े पंजाब के विकास के उन्होंने योगदान अपना भी खून पसीना पाया, चाहे मजदूरी कर अपना घर छड़ के इतने आए है। जिन्होंने अपने घर वापस जाने की इच्छा जाहिर की उन्होंने जाने वास्ते प्रबंध कराना साडा फर्ज सीगा, नहीं तो 1200 किलोमीटर एक 15 साल की बच्ची अपने पिता को साइकिल पर बिठा के लैके जाए, मैं समझदा सारे देश वास्ते शर्म का मुकाम है। असी नहीं सी चाहते, असी पंजाबी जड़े हैं, असी अपने भाईचारे की मेहमाना की अपने बंदियां की कदर करना जानते, इस करके उन्हां लोकां नूं घर जाण की इजाजत भेजिया गया जिहड़े जाना चाहते। सर साहब इत्थों 35 करोड़ रुपये के नाल करीबन 500 श्रमिक एक्सप्रैस भेजिया गई हैं। किसी होर सूबे की साड़ी जिहड़ी पापूलेशन है वह केंद्र सरकार ने झगड़ा करन दे बाद इन्नियां सानू गड्डियां दित्तियां नहीं, गड्डियां भी नहीं दे रहे सी, उन्हां नू मुफ्त देनी चाहीदी सी। वह हिंदुस्तान के वासी है, चाहे पंजाब के सी चाहे बिहार के सीगे, गरीब करके देखो सारे कहिंदे सी भी बीमारी ना अमीर देखदी ना गरीब देखदी। मोदी साहब ने करोना नू इह जिहा बनाता भी सिर्फ गरीबां दे उत्ते मार पई है, अमीर नू तां किसे नू तकलीफ नहीं होई। अज जी किसानों की जी गल करनी है साहब, तुसीं दूजे पास ना अज जिहड़ा इशू बहुत गंभीर है, इहदे विच जिथे MSP की सरकारी खरीद बंद हो जा रही है उत्थे दूजा जिहड़ा मसला अज सामने है जिहड़ा अज सवाल पुछण वाला है, तेल दे जिहड़ी अग लगी पई है अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर, तेल दियां कच्चे तेल दियां कीमतां घटदियां जा रही हैं, इत्थे वधाई जा रही है झोने के अंदर। साहब एक मिनट सुन लो तुसीं प्लीज, जिहड़ा MSP वधाई है इन्होंने हुण अनाउंस किया झोने के अंदर 2.8% झोने की कीमत वधाई है, तो पिछले सिर्फ 15 दिनों के अंदर डीजल की कीमत 12% वधाई है। वो जिम्मेवारी केंद्र सरकार नूं लैनी पेगी। जिहड़ा तेल अज देखो कहिंदे सी भी मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ देश के लिए, अज पहली बारी होया अज इत्थे दा रेट मैनूं पता नहीं पर दिल्ली दे विच जिहड़ा डीजल है पेट्रोल तो महंगा करता जिन्हां आ इन्हां दी कामयाबी है। देश संकट तो लड़ रहा है, चीन की बार्डर के उत्ते नेपाल सानूं अखां दिखा रहा है, पाकिस्तान के नाल पहला ही साडा जो कुछ चल रहा है, उन्होंने बावजूद इस काले कानून जिहड़ा लैके आए है इन्हां दी मंशा के उत्ते शक है, ये करके किसानों जागरूक होना पेगा। राजनीतिक लड़ाइया लड़ियाँ जांदियां रहणगियां, अज हरेक पार्टी नूं साबित करना पेगा भी वह किसान नाल खड़े है या अपनी कुर्सियां नाल खड़े। किस गल की वेट करें? देखो गडकरी साहब का जो बयान कितने कोई किंतु परंतु नहीं रहेगी। गडकरी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है भी जी MSP की खरीद है वह हिंदुस्तान की इकोनॉमी अर्थचारे के उत्ते बोझ है। जिस BJP नूं किसान बोझ लगन लग गया मैं समझदा भी इस तो ज़्यादा साढ़े वास्ते कोई भी काला दिन नहीं हो सकता हिंदुस्तान वास्ते। वो किसान जिन्हें हिंदुस्तान का पेट भरिया लाल कणक PL480 के तहत अमरीका तो आती सी वह अजे सारे गोदाम भरे पे है, उन्होंने गडकरी साहब कह रहे हैं BJP कह रही है भी MSP साढ़े उत्ते बोझ है, ये वास्ते लोगों को जाणू कराने वास्ते। सुखबीर बादल जी नूं स्पेसिफिकली पुछना चाहना, पंजाब ने अकालियों का बिगाड़िया की है भी जिथे कितें गल आती है कैप्टन साहब कहते भी पंजाब का जरा बनता GST का बकाया दे दौ, सुखबीर बादल कहते नहीं पहला हिसाब दौ, जिथे कित दो पैसे पैकेज मंगते हैं कहते नहीं जी पहला हिसाब दौ, हूँ सुखबीर बादल कहते पंजाब की बेड़िया च फट्टे पाने का इन्हों का की एजेंडा की है सुखबीर बादल का?
ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਵੈਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਛੇਤੀ? Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.